अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उसामा सफदर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज जो वीडियो है जी, वो हमारी फैक्ट्री की है जिसको आग लग गई थी। इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया जी फैक्ट्री में, जिसकी वजह से हमारा सारा वेयर हाउस कह लें कि जल गया। तो उसको उसके थोड़े से फुटेजेस जो उस दिन बनाए थे वो हमने क्या आपको दिखा दें, और जो उसका अब हालत उसकी जो इस टाइम हो गई है वो आपको दिखाते हैं। तो आए चलते हैं और देखते हैं वेयर हाउस की कंडीशन। ये शेड के आप हालात देख सकते हैं जी। एक साल ही हुआ था अभी इसको बने हुए, और ये इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। शेड पूरा गिर गया है। ये वैसे बाहर भी इधर काफ़ी सामान वगैरह पड़ा हुआ था। ये दरख्त वगैरह आप देख सकते हैं जल गए हैं। ये हमारा मटेरियल था जो कुछ कुछ शीटें बची हुई हैं। शेड को देखें, जिसके पिलर ही इतनी इधर हीट हो गई थी जिसकी वजह से ये सारे पिलर ही बैठ गए हैं, बिल्कुल डेड हो गए। ये कुछ स्क्रैप था, ये कुछ सही शीटें, ये निकली हैं बस बीच में से। इधर एक बस भी खड़ी हुई थी वो भी जल गई है। सफाई भी सफाई शुरू हो गई है सारी। ये मज़दा था अपने ही, ये भी जल गया। ये थ्रेशर टायर वगैरह सारे जल गए, पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इस जगह पे। ये कूलिंग पैड, बेसिकली ये कूलर के अंदर जो पैड लगता है ना गत्ते का, उसकी फैक्ट्री थी। ये साथ पेट्रोल पंप भी था, इसकी भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। ये मैं आपको पुरानी फुटेज भी दिखा दूंगा, जो पहले ये शेड सही था। ये सारा इधर बाहर भी सामान वगैरह पड़ा था, सब कुछ जल गया। ये जी शेड के अंदर ये देखें, शेड सारा गिर गया। ये पिलर देखें जी, इतनी इधर हीट हो गई थी कि पिलर भी बेंड होके गिर गए हैं। ये इसकी सारी ये देखें जी, ये शेड था हमारा सारा, सब गिर गया। थोड़ी सी आग लगी थी पर कुछ कर ही नहीं सके, तो सात फायर ब्रिगेड आई थी जिन्होंने फिर ये आग आगे बुझाई है, सारी कंट्रोल किया आग को। अब ये सफाई वगैरह का काम शुरू हुआ है।